हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खान सर, सीपी ऑफिस से फोन है। जैन सर, इंस्पेक्टर खान। यस सर। ओके सर। करने नए ऑफिसर आ रहे हैं। हर्षा, केलकर सर छुट्टी पे है, नया ऑफिसर आ रहा है। हेलो टीम। सर, जैन सर। जैन। इंस्पेक्टर खान। सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर। पीएसआई हर्षा देसाई। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ के बात करें। जी सारा अंसारी। हाँ बताइए। चलो हमारे साथ। कहाँ चलो भाई, कौन हो तुम लोग? नासिक पुलिस। लेकिन मैंने क्या किया है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? इसे पहचानती हो? मर्डर हुआ इसका है? इसी के बारे में पूछताछ करनी है। चलो अर्चा। सर। अरे ए, ए, अरे चल, अरे चलो, चल रही हूँ ना। भैया मुझे चक्कर आ रहा है, आप प्लीज कोई दवाई दे दीजिए। जी एक सेकेंड भैया, ये मेरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, इस हिसाब से दीजिएगा। आप प्रेग्नेंट है? हाँ। मार्केट से मेरा पीछा कर रहा है, आप प्लीज उसे रोक लो। आप जाइए बेंजी, हम दिखते उसको। माँ, माँ आप ये क्या कर रही हो? किसने कहा आपको बेड से उठने के लिए? बेटा प्यास लगी थी, ग्लास उठाने गई, सब गिर गया। हाँ तो अवनी को आवाज दे देती। किधर है अवनी? अवनी, 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 दे रहा तुझे? पागल है तू? पागल है? मैं तेरा हेडफोन अभी तोड़ के फेंक दूँगी। ये नाटक है ना, अपने ससुराल में करना, यहाँ नहीं। मैं नाटक कर रही हूँ? नाटक तो तू कर रही है, पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के रखती है। अपनी तुझे तो माँ, ये ना, ये दीदी को समझा दो, यहाँ जैसा है ना वैसा ही चलता रहेगा, समझ गई तू? हाँ मैं तो सब समझ गई, लेकिन तू समझ जा। तेरा क्या हुआ, क्यों इसकी मुला रखी? बेटा ये जो कह रही है सही कह रही, यहाँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तू जा तो टेंशन नहीं ले, समझी तू? देख अम्मी तुझे तो मैं दीदी। माँ आप आराम करो, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। ये किस लिए? वो माँ की दवाई ली थी ना, उसके पैसे हैं ये। अच्छा तो माँ सिर्फ तेरी है, मेरी नहीं? अरे नहीं, वैसे अच्छा नहीं लगता ना, जीजा जी ऐसे भी सारा इलाज का खर्चा तो वही कर रहे हैं। जब तू बहुत पैसे कमा लेगा ना तब दे देना, अभी अपने पास रख। दीदी फिर से गाल। अच्छा वैसे जीजा जी कब लेने आ रहे हैं? वो कल आ रहे, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। लड़की है। क्या फिर से लड़की? हे भगवान, मेरे दोनों बेटे ऐसे ही हैं। लड़के तो पैदा होते नहीं और लड़कियों की लाइन लगा दी। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं, कोई मैथ्स का फॉर्मूला थोड़े कि लगाया और लड़के हो गए।
फॉर्मूला है। मुझे देखो, अगर मेरे दो बेटे बचपन में ही खत्म नहीं होते ना, तो आज तुम दो नहीं चार भाई होते, समझे? आप बैठ जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और डॉक्टर ले जाइए उसे और गिरा दीजिए यह बच्चा। लेकिन पिछले साल भर में दो बार अबॉर्शन करा चुके हैं आप शगुन का, अब तीसरा अबॉर्शन। अरे क्या हुआ, मर जाएगी ना तो हम दूसरी ले आएंगे। अरे वैसे भी ये हमें कौन सा पोता दे रही है? ऋषि तुम बोलो ना मम्मी जी को। क्या बोलूं, ठीक तो कह रही है माँ, वंश चलाने के लिए लड़का तो चाहिए ना। डॉक्टर ले जाइए इसे, हम पैसे दे रहे हैं ना। ऋषि प्लीज ऋषि मुझे मत ले जाओ। अनन्या अनुष्का चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। दीदी मेरी बेटियों की क्या गलती थी, अगर वो लड़की है तो क्यों मार डाला उसे, क्यों? इनका ये आज का पागलपन नहीं है बेटे के लिए, इन लोगों ने मुझे भी फोर्स किया था तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए, पर मैं तुम्हारी तरह इनके सामने बिल्कुल नहीं झुकी। दीदी आपकी बात अलग है, आपके पास पापा है, भाई है जो आपको इतना सपोर्ट करता है, मेरे पास तो पापा भी नहीं है और भाई तो छोटी मोटी नौकरी करता है, मैं किससे सपोर्ट मांगूं? इसीलिए तो ले आए तुम्हें, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकती, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, वरना इसी तरह अबॉर्शन करवा करवा के तुम्हारी जान ले लेंगे और ले आएंगे किसी और को बेटा पैदा करने के लिए तुम्हारी जगह। लो दूध पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना है दूध। अरे क्यों नहीं पीना, जड़ी बूटियों वाला दूध है, पियोगी जल्दी ठीक हो जाओगी, लो। ताकि मुझे फिर से सूली पे चढ़ा सको बेटे के लिए। ज्यादा ज्ञान मत दे, बोल रहा हूँ चुपचाप दूध पी ले ले। अरे दीदी आप उठ गई, आज सुबह से दो बार आके जा चुकी मैं, आज आप बहुत गहरी नींद में सोई। दरवाजा खुला था क्या? हाँ। अरे चलो चलो जल्दी बैग भर लो, ये लो अपना टिफिन डालो बैग में, ये लो तुम भी डालो। दीदी हाँ बोलो। भैया साइट पर गए क्या? हाँ वो कल रात को ही साइट पर थे, क्यों क्या हुआ? नहीं मम्मी, कल रात पापा ने कहा था आज हम स्कूल छोड़ जाएंगे और पापा सुबह सुबह ही ऑफिस गए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो जल्दी से बैग भर, चलो 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 स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो जल्दी। सुनो ना, इस लड़की को देखा है आपने? ये लड़की तो यहाँ पे आती रहती है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही लग रही है। आप मुझे बता सकते हो ये यहाँ कहाँ रहती है वो? क्यों आपको क्या काम है उससे? ऋषि तुम दिल्ली से वापस कब आओगे? अरे 8-10 दिन लगेंगे भी आने में, और तुम ये फालतू की बातें ना दिमाग से निकाल दो। ऋषि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने 2 दिन बाहर नोटिस किया है कोई आता है कमरे में। अरे यार तुम ना फोन रखो अभी, ठीक है ना, बाद में बात करता हूँ। हेलो जी, क्या जी? थैंक यू माँ। माँ क्या हुआ ऋषि? क्लिनिक से फोन था, लड़का है। क्या बात कर रहे हैं? सच बोल रहा ना तू? एक काम कर, पापा को फोन करो, बोलो आप पोते के दादाजी बनने वाले। मैं अपने वकील के बिना बात ही नहीं करूंगी, इतने ह्यूमन राइट्स ना मुझे पता है। तेरे से अच्छे से बात कर रही हूँ तमीज से, तू मेरे को शान पट्टी सिखा रही है? पुलिस स्टेशन में आके आकर दिखाएगी। अर्षा क्या हुआ, क्या हंगामा मचा रखा है इसने? ह्यूमन राइट्स सिखा रही है सर मुझे। तो सीखना था ना, वो भी फ्री में सिखा रही है। चल तूने नहीं सिखा, अपना वाला सिखाओ इसे। आया समझ में? ये हमारा ह्यूमन राइट्स है। एक और सर। चुपचाप बैठ खान, ये है तुम्हारी हिस्ट्री शीट, जितने भी आज तक तुमने फ्रॉड्स किए हैं सबकी डिटेल्स इसमें है, सिवाय एक मर्डर केस के। ये क्या मर्डर लगा के रखा है आप लोगों ने? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तो फ्रॉड्स तो किए हैं ना, उनके बारे में बताओ, कब कहाँ किस किस के साथ किए?
बोलो। डॉक्टर कैसा है मेरा पोता? एकदम ठीक है डॉक्टर, वो वॉशरूम किधर है? उधर राइट साइड में। अरे संभाल कर बेटा। हेलो। कब फोन किया था तुम्हारी दीदी ने तुम्हें? सर आधे घंटे पहले। क्या कहा था? प्रतीक तू कहाँ है? तू पुलिस स्टेशन आ जा। अरे दीदी पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो? तू आ जा वहाँ पे, मिलके बताती हूँ। अच्छा मैं आता हूँ, आप मेरे को फिर साथ चलते हैं। सर दीदी ने कहा था पारस रोड के पास आने के लिए। सर मैं वहाँ गया था लेकिन दीदी वहाँ थी नहीं। क्या कुछ प्रॉब्लम में थी शगुन जो पुलिस स्टेशन आ रही थी? सर दीदी ससुराल में रहती है, आज 3-4 दिनों के बाद फोन आया, कह रही थी पुलिस स्टेशन जाना है। ससुराल कहाँ है तुम्हारी दीदी का? सर शगुन तो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और आज उसका अस्पताल में चेकअप था, हम उसे क्लिनिक लेकर गए थे और वहीं से वो अपने माँ के घर में जाने वाली थी। लेकिन दीदी ने मुझे फोन किया और कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। दीदी बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। जीजा जी क्या हुआ था घर पे? नहीं घर पे क्या होना था, तुम्हारी दीदी तुम्हारे घर के लिए निकली थी। मैंने कहा था कि गाड़ी से छोड़ देता हूँ, उसने बोला नहीं चली जाऊंगी, माँ थी मेरे साथ तो मैं माँ को लेकर घर आ गया। ये क्लिनिक कहाँ है? सर सुभाष नगर। शगुन ने अपने हस्बैंड को क्या कहा था, कहाँ जा रही थी वो? सर यहाँ रोज 100 से ज्यादा पेशेंट आते हैं, अब एक पेशेंट ने किससे क्या कहा मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? लेकिन फिर भी सर, आपको ये देखिए। इस ऑटो का नंबर ले लो और सब डिटेल्स निकालो। सर हेलो क्या सर, पारस रोड पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। देखिए मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ लेकिन फिर भी हमें ये तो पूछना ही पड़ेगा कि मैटर क्या है। आपके बेटे ने बताया कि शगुन के उसके पति ऋषि ने मारा, क्यों लगता है आपको ऐसा? 2 साल पहले शगुन के लिए ऋषि का रिश्ता आया था लेकिन शगुन शादी नहीं करना चाहती थी मेरे लिए, मैंने फोर्स किया तब वो राजी हुई शादी के लिए ऋषि से, लेकिन एक शर्त पर। आंटी मुझे मेरी माँ के कैंसर का इलाज कराना है तो मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। देखो बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा परिवार अब हमारा परिवार है और रही तुम्हारे माँ के इलाज की तो उसकी जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं ना। अब समझ में आया सर कि उन्हें तो एक ऐसी मजबूर लड़की चाहिए थी कि जो उनके अत्याचारों का जवाब तक ना दे सके। कैसे अत्याचार? सर उन लोगों ने जिंदगी आराम कर दी थी दीदी की, पिछले 1.5 साल में 3-3 बार अबॉर्शन करवाया उसके ससुराल वालों ने क्योंकि वो सब लड़कियां थी सर। सर शगुन दीदी अभी भी पेट से थी। क्या बात कर रहे हैं सर, शगुन के अबॉर्शन इसलिए नहीं हुए थे कि उसके पेट में लड़की थी बल्कि हेल्थ इश्यूज के वजह से उसके अबॉर्शन कराने पड़े थे। मुझे शगुन की सारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए अभी। तो बताओ फ्रॉड किस किस के साथ कैसे कैसे कब कब किए? सर देखिए ये जितने भी कमीने लोग हैं ना ये लोग लड़कियों का फायदा उठाना जानते थे, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने लड़कियों के जरिए इनका फायदा उठा लिया। सर वो आदमी ने मारा तो लड़की ने प्रूफ के लिए वीडियो बना ली, फोटो खींच ली और आदमी ने जब सेक्स किया तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट में वैसे ही प्रूफ हो जाता है ना, और जब ये दोनों चीजें हो गई तो फिर रेप केस बनाने के लिए और क्या चाहिए होता। सुया ये क्या बोल रही हो? मैडम मैंने जोया के कहने पर ही इसे मारा था और अभी झूठ बोल रही है। ए, ये क्या सनकी दिख रही तेरे को जो खुद को पीटने के लिए बोलेगी? मैडम देखिए इस पर आप रेप केस फाइल कीजिए, ये मामला ना बहुत ऊपर तक जाएगा। क्या चाहते हो, जाना है जेल? नहीं मैडम। तो निपटा लो मामला आपस में ही। हाँ और इस टाइप का फ्रॉड करके कितने पैसे वसूलती थी? सर भी कुछ 15-20 लाख।
बोल क्यों मारा इस लड़की को? लूटने के लिए? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोल रहा है। झूठ। खान खान सर, मैंने तो वो लड़की को हेल्प करने का सोचा था सर, लेकिन वो फालतू में मेरे पे भड़क गई थी सर। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं, आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। जी ले लीजिए मैडम, पानी पी लीजिए। ये क्या है? क्यों दे रहे हो मुझे? तुमने इसमें कुछ मिलाया है ना? बेहोश करना चाहते हो मुझे? अरे क्या बोल रहे हैं मैडम आप? अरे दिमाग खराब है क्या? मुझे गुस्सा आ गया था सर, इसलिए मैंने उसे रोड की साइड पर ही उतार दिया। और मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने किया है नहीं तो पता चलेगा। कर दे, इसे ले जाओ और अच्छे से पूछताछ करो। चल चल चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। कम से कम ये प्रतीक जो बोल रहा है वो सच लग रहा है। शगुन पुलिस स्टेशन के लिए निकली थी, फिर ऋषि को उसने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने घर जा रही है? कान, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा कि सच्चाई क्या थी। अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। ये शगुन के सेल लोकेशन और सीडीआर का क्या हुआ? साइबर सेल काम कर रही है सर। सही, शगुन की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर, हमने शगुन की मेडिकल हिस्ट्री चेक की है। अब ये शगुन के ससुराल वाले आपके रिश्तेदार तो है नहीं जो उन्हें बचाने के लिए आप झूठ बोलेंगे। उम्मीद है सब सच बताएंगी। ये शगुन के 3-3 अबॉर्शन आपने क्यों किए थे? वो शगुन के इन लॉज के कहने पर, उनको लड़का चाहिए था सर। आप एक डॉक्टर हैं, इतने नोबल प्रोफेशन में, ऊपर से औरत भी हैं, फिर भी आपने पैसे कमाने के लिए आपने पेट में ही 3-3 बच्चों को मार डाला। हर्षा अंदर डालो इन्हें। यस सर। ए चलो सर। सर चल सर, नाटक नहीं चल रही। बोला ला तेरे को। प्लीज सर, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस केस में? प्लीज सर बैठ। सर शगुन कल आई थी अपना रूटीन चेकअप के लिए सर, वो 4 दिन पहले भी आई थी। डॉक्टर, मैं इस बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। लेकिन शगुन, तुमने काफी स्ट्रगल किया इस बच्चे के लिए और अब बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हूँ? जी। तुम्हारे हस्बैंड को पता है ये बात? वो हाँ, मैंने उनसे बात की है। और तुम्हारी मदर इन लॉ? देखिए डॉक्टर, ये बच्चा मेरा है तो इस बच्चे के साथ क्या करना इसका फैसला भी मेरा ही होगा। सर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शगुन झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसके पति ऋषि को कॉल किया और फिर वो आके शगुन को ले गया। लेकिन शगुन अबॉर्शन क्यों कराना चाहती थी ये बताया आपने? सर वो बच्चा ऋषि का नहीं था। अगर वो बच्चा ऋषि का नहीं था तो फिर किसका था? वो तो नहीं बताया शगुन ने। ये बच्चा ऋषि का नहीं था, फिर भी ऋषि और उसकी माँ ने आपके क्लिनिक पर आकर इस अबॉर्शन को रोक दिया। क्यों, क्या उन्हें सच्चाई नहीं बताते? सर इस बारे में मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, बस ऋषि और उसकी माँ गुस्से में आए और शगुन को जबरदस्ती लेकर चले गए। ठीक है हर्षा। सर डॉक्टर साहिबा को लेकर जाओ, इनके अगेंस्ट केस फाइल करो, अंदर डालो इन्हें। लेकिन सर आपने तो कहा था कि... क्या कहा था? कि तुम हमें इन्फॉर्मेशन की घूस दोगी और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतना घटिया और जलील काम किया तुमने, इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। लेके जाओ। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि शगुन को एबॉर्शन करने से रोकना था इसीलिए उसको बंधक बना के रखा और मौका मिलते ही वो घर से भागकर पुलिस स्टेशन आ रही थी? सर खान, उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा अगर ऋषि का नहीं था तो किसका था? कहीं ये बच्चा ही तो शगुन के मर्डर का कारण नहीं है? तो ऋषि ये बताओ, शगुन के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा नहीं था, क्या ये बात तुम्हें पता थी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। शगुन ने खुद अपने डॉक्टर से बताई थी ये बात, और जब आप लोगों को पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा है लोगों का वारिस नहीं है तो आप लोगों ने शगुन को... बकवास है ये, हमें इस बात का पता ही नहीं था। तो फिर कौन है उस बच्चे का बाप? अरे होगा उसके किसी आशिक का। वैसे भी महीने के 15-15 दिन माँ के बीमारी का बहाना करके वो वहीं पड़ी रहती थी, अब पता चला कि वो वहाँ क्यों पड़ी रहती थी। तो तुम्हें लगता है कि उसका कोई अफेयर था? होगा, कोई ना कोई तो होगा जरूर। कुछ दिन पहले मैंने गेट के बाहर एक लड़के के साथ देखा था उसे। शगुन? हाँ? क्या हो गया, कौन है? वो कुछ नहीं, बाहर आती एड्रेस पूछने लगा।
एड्रेस पूछ रहा। चलो अंदर चलो। कब की बात है ये? ये कुछ डेढ़ दो महीने पहले की बात। खान, ये लड़का जो शगुन से बार बार मिलने आता था, इसके बारे में शगुन की फैमिली और उसके दोस्तों से पता करो, वहां से शायद कुछ पता चले। ओके सर। सर, सर शगुन के कॉल रिकॉर्ड्स में मर्डर वाले दिन दो नंबर्स रजिस्टर्ड है, एक ऋषि का इनकमिंग और एक प्रतीक का आउटगोइंग। सर बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है। और ये शगुन के ससुराल वालों के सेल लोकेशंस? नहीं सर, उनमें से किसी का भी कॉल लोकेशन क्राइम सीन पर नहीं था, एक्सेप्ट उसका भाई प्रतीक और मंदार। सर प्रतीक का तो समझ में आता है, उसकी लोकेशन तो वहां पे होगी क्योंकि वो ढूंढ रहा था, लेकिन ये मंदार, ये क्या कर रहा था वहां पे? सर वो एग्जैक्टली क्राइम सीन पर नहीं था, वहां से 700 मीटर की दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां उसकी लोकेशन है सर। खान, ये शगुन की फैमिली और उसके ससुराल वाली फैमिली दोनों के बारे में पता करो कि आपस में दोनों फैमिलीज के रिलेशंस कैसे थे। सर पिछले कुछ दिनों से अनिल सर के साथ ज्यादातर मीटिंग्स में ऋषि सर ही जा रहे हैं। तो सर ऋषि सर साइट पर ही रहते थे और अनिल सर के साथ मंदार सर डील फाइनल करते थे, लेकिन सर अब उल्टा ही हो गया, मंदार सर अब ऑफिस में कम ही आते हैं। दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था। सर अब घर में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन अब दोनों भाइयों में बात कम ही होती है। अब फिर हमने तो शगुन को किसी लड़के से बात करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन हमने तो सुना है कि शगुन एक लड़के से। वो अवनी है ना उसकी बहन, आप उससे पूछिए, ये लड़के वड़के घुमाना उसी का ही काम है। अवनी का कोई बॉयफ्रेंड है? अभी एक हो तो बताओ मैडम, जैसे कपड़े बदलते ना वैसे वो बॉयफ्रेंड बदलती है। और पता नहीं शगुन से उसको इतना चिढ़ क्यों थी, हमेशा झगड़ा करती थी। आप लोगों के आपस में रिलेशंस कैसे थे? सर फैमिली के आपस के रिलेशन कैसे होते हैं, अच्छे ही थे सर। और शगुन दीदी तो शादी के बाद भी हम लोगों पर जान छिड़कती थी। तुम्हारे ऊपर भी? हाँ सर, बहुत प्यार करती थी। जरा फोन दिखाना। एकदम लेटेस्ट फोन है, काफी अच्छी पिक्स आती होंगी। सर शगुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है। लेकिन खान, सिर्फ लूटपाट के लिए इतना ब्रूटल तरीके से मर्डर, इतना गुस्सा? वही तो सर, सिर्फ लूटपाट करनी थी तो शगुन को कंट्रोल करने के बाद भी कर सकते थे। मुझे ये केस कुछ और ही लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लान्ड मर्डर है और सिर्फ हमें दिखाने के लिए लूटपाट की गई है? सर ये शगुन के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज, ये 15 दिन पहले का फुटेज है सर। ये जो नौकरानी है ये घर के अंदर गई और 5 मिनट के अंदर ही घर के बाहर आई और फिर वो वापस कभी घर गई नहीं सर, और घर वालों ने दूसरी मेड भी हायर नहीं की। इसका फोन नंबर है? निकाल रही हूँ सर। अवनी के बारे में पता किया? ये इतनी महंगी महंगी चीजें ला कहाँ से रही है? सर मैंने उसके फ्रेंड सर्कल में पूछताछ की, लेकिन उसके फ्रेंड्स में से कोई मुझे इतना केपेबल नहीं लगा कि उसे जो 50,000 का फोन या 10,000 की घड़ी दे सके। कहीं किसी उल्टे सीधे काम में तो नहीं है? पता करो जी। सर अनिल के फर्म के अकाउंट में ज्यादा कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। हाँ लेकिन एक बात है, इस फैमिली का पावर ऑफ सेंटर मंदार से ऋषि की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पहले मंदार के साइन लगते थे लेकिन अब ऋषि के साइन लगते हैं, और ये सब कुछ 15-20 दिनों से घट रहा है। सर और एक बात है, 10 दिन पहले ये अनिल ने 2 करोड़ के शेयर ऋषि के नाम ट्रांसफर किए। घर में 15-20 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ऋषि का प्रमोशन हो गया, मंदार का डिमोशन? सर ये माला, घर की नौकरानी। बोलो। साहब मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, रोशनी दीदी ने कॉल करके मुझे काम पर आने से मना कर दिया था। क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया था साहब, लेकिन उस घर में बहुत कुछ हो रहा था और वो सब बातें बाहर ना आए, शायद इसीलिए घर से बाहर वालों को बाहर ही कर दिया था। मैडम घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधा सीधा बताइए। उस दिन वो ऋषि, तुम 1.5 महीने से दिल्ली में थे, फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे खाने पीने में नशा दिया जा रहा है और रात को कोई कमरे में भी आता है,
लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने खुद से पता लगाया। खुद से पता लगाया क्या? कुछ दिन पहले ना मैंने कुछ खाया ना पिया और बस रूम में जाके सोने का नाटक कर रही थी, तब मंदार भैया रूम के बाहर आए थे और उन्होंने दरवाजा भी खोला था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रही है, और खबरदार मेरे भाई पर अगर ऐसा इल्जाम लगाया तो। ये शगुन का रेप मंदार क्या करता था? मैंने भी यही सुना था साहब, शगुन दीदी को धमकी देकर मुंह ना बंद करवा देते ऋषि भैया तो ये सब बातें भी बाहर आ जाती थी। मंदार, तुम जिन लोगों के लिए चुप हो उन लोगों ने कभी भी हमारी बेटियों की साइड नहीं ली और ना ही कभी खड़े होंगे उनके लिए। अगर तुमने कुछ किया है नहीं तो सच क्यों नहीं बोल रहे हो? अब ये सच बोले या ना बोले, सच बोलेगा इसका डीएनए टेस्ट। मेरे डीएनए टेस्ट से कुछ नहीं मिलेगा, शगुन का रेप मैं नहीं पापा किया करते थे। और ये बात माँ और ऋषि दोनों को पता है। आपने किया ये काम तो और क्या करता? तुम दोनों से तो लड़का हो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ही आगे आना पड़ा। अगर नहीं आता तो हमारा परिवार, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ता? देखो ऋषि, अगर लड़का हुआ ना तो तुम मेरे वारिस बनोगे और तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा। अब सोचो, पुलिस में जाना है या चुप रहना है? वो 2 करोड़ के शेयर्स भी क्या इसी डील का हिस्सा था? शगुन चुप जरूर हो गई थी, लेकिन उस दिन मौका पाते ही वो पुलिस स्टेशन आ रही थी तुम लोगों के अगेंस्ट FIR करने। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही तुम लोगों ने उसे मार डाला। रेप केस में भले ही जेल चला जाता, लेकिन अपने वारिस को कभी नहीं मारता और ना ही किसी को उसे मारने देता। क्या शगुन को पता था उसके बच्चे के बाप आप थे? जी नहीं सर, ये बात सिर्फ हमें ही पता था। सबको थाने लेकर आ। चल। सर, शगुन के एरिया में इनका मेडिकल शॉप है। इनका कहना है कि एक आदमी शगुन के बारे में पूछताछ कर रहा था। जी सर, एक आदमी आया था सर, ये वही आदमी है, सीसीटीवी में से मैंने उसका फोटो निकाला है। इसका नाम या नंबर कुछ पता है? नहीं सर। अरे भाई साहब, कोई अनजान व्यक्ति आपके दुकान में आता है, किसी के बारे में पूछताछ करता है और आप इंफॉर्मेशन दे देते? मुझे लगा कोई जान पहचान वाला होगा, इसलिए मैंने एड्रेस बता दिया सर। पॉज करो, एक गाड़ी की नंबर प्लेट पे जूम करो। ये तो मुंबई का नंबर है। मुंबई का एक लड़का ये नासिक में शगुन को क्यों ढूंढने आया था? इस गाड़ी की डिटेल निकालो खान। सर। हेलो, क्या? लेकिन फिर भी अवनी इतना महंगे मोबाइल, इतने महंगे कपड़े, उसके लिए पैसे कहाँ से लाती थी? अवनी हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी सर, हमें क्या पता कि वो कहाँ से पैसे लाती थी। खान, ये भी तो हो सकता है इसे शगुन के मर्डर के बारे में कुछ पता हो, वरना एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि दोनों बहनें 10 दिन के अंदर मार दी गई। सर, आप कहना क्या चाहते? इस लड़के को जानते हो? घर पे आया था ये आपके? कौन है सर? ये लड़का शगुन को ढूंढ रहा था, यहाँ मुंबई से आया था शायद। मुंबई से? क्यों, क्या हुआ? सर, 3 साल पहले शगुन मुंबई गई थी जॉब के लिए, पर सर वहाँ से 2 महीने में वापस आ गई थी। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर, मुंबई से आने के बाद शगुन से मुंबई के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो ये बता, समाज सेवा का तूने सिर्फ एक तरीका बताया, अगला तरीका? फिलहाल तो वीडियो कॉल कर रही थी सर। हेलो प्रशांत जी, अब तक वीडियो तो आपको मिली गई होगी। कौन है तुम और ये वीडियो कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो बातें सब आप छोड़िए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये वीडियो आपकी बीवी को मिल गई तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, वीडियो मत भेजना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से बाहर भी नहीं जाना पड़ता था और कोई रिस्क भी नहीं होता था और घर बैठे बैठे 1-2 लाख रुपये आ जाते थे।
सर ये अम्मी के फोन में कुछ मैसेजेस मिले। 20 लाख नहीं तो कम से कम 10 लाख ही दे दो। अच्छा 5 लाख ही दे दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखेबाजी है। मैं सबको बता दूंगी। किस बात की ब्लैकमेलिंग चल रही थी? अवनी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? तुम्हारा अफेयर था ना उसके साथ? नहीं सर, अवनी के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। वो तो जब अवनी को पता चला कि शगुन को लड़का नहीं हो पा रहा और हमें लड़का चाहिए, तो उसने खुद ही अप्रोच किया था हमें। ये तो एक बिजनेस डील है। अगर मुझे लड़का हुआ तो आप मुझे 20 लाख दे देना, और अगर लड़की हुई ना तो मैं अबॉर्शन करा लूंगी। आप मुझे एक भी पैसा मत देना, ठीक है? और शगुन को पता चला तो? दीदी को कैसे पता चलेगा? आप मुझे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए कहीं बाहर भेज दें, और एक बार आप लड़का लेकर घर आ गए तो दीदी वैसे भी क्या कर लेगी? एक बात बता, जब डील हो चुकी थी तो अवनी किस धोखेबाजी की बात कर रही थी? सर एक्चुअली जब अवनी ने मुझे अप्रोच किया था ना, तब शगुन ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और पापा से। लेकिन ये बात शगुन ने किसी को बताई नहीं थी अपने घर पे, क्योंकि हम बच्चे के जेंडर टेस्ट का वेट कर रहे थे और अवनी को भी ये बात नहीं पता थी। सर इसी बात का फ़ायदा उठा के मैंने अवनी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। और जब जेंडर टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो लड़का निकला? जी सर, मेरा काम तो हो ही गया था, तो फिर मैं अवनी को 20 लाख रुपये क्यों देता? मैंने मना कर दिया। बस सर उसी के बाद से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने। इनफैक्ट उसने ये धमकी तक दी कि वो शगुन और उसके बच्चे को जान से मार देगी। चल मान लिया शगुन को अवनी ने मारा, तो अवनी को किसने मारा? इसने मारा क्योंकि शगुन अपने मर्डर के ठीक 3 दिन पहले डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई थी, और उसी दिन से अवनी के इसको ब्लैकमेलिंग के कोई मैसेज नहीं आए, क्योंकि वो जान गई थी कि इसका राज शगुन के सामने राज नहीं रहा है, तो ब्लैकमेलिंग का क्या फायदा? सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर, शगुन ने मेरे और अवनी के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। क्या ये? क्या ये? मैं प्रेग्नेंट हुई लेकिन मैं चुप रही कि मेरी माँ बच जाएगी, लेकिन तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो भी एक लड़के के लिए। ये तमाशा मत कर। और अच्छा हुआ तुझे सब पता लग गया, तेरी बहन की जिंदगी पहले से बर्बाद है, समझी? घंटा ही खत्म, लाफ दे। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। तुझे जो करना ना कर, इधर फोन दे। फिर जाना है, मुझे प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे लगा था कि क्या ही कर देगी, पर उसने वो रास्ता चुना जो हमें सबसे ज्यादा हर्ट करता, तुम्हारे खानदान के वारिस को खत्म करने का। जी एक बार तो डॉक्टर ने बचा लिया तुझे फोन करके, लेकिन शगुन ने जब तय किया पुलिस के पास जाने का तो तुझे गुस्सा आया और तूने उसे मार दिया। नहीं सर, ना तो मैंने शगुन का रेप किया, और अवनी के साथ जो कुछ हुआ वो सब उसकी कंसेंट के साथ था, तो सर दोनों में से किसी को भी मार के मुझे क्या मिलता आप बताइए। खान, ये ऋषि सही कह रहा है, इसके पास मर्डर का कोई मोटिव तो नजर नहीं आ रहा है। सर, जो लड़का शगुन को ढूंढ रहा था वो लोकेट हो गया है मुंबई में। ये फ्रॉड करते करते तुम मर्डर के धंधे में कैसे आ गए? ये क्या मर्डर मर्डर लगा के रखा आप लोगों ने? मैं कब से आप लोगों को कह रही हूँ कि मैंने कोई मर्डर नहीं करा, बट आप लोग मेरे को फंसाने में लगे हुए मर्डर में। देखिए सर, मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है। इसे तो पहचानती होंगी ना, तुम्हारी एक्स रूम में। यार मुंबई में बैठे बैठे 2 महीने निकल गए, सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है, घर भेजने के लिए पैसे भी नहीं है माँ की दवा के लिए। चिल यार, मुंबई है, थोड़ा टाइम तो लेती है। यार तू ही मेरी हेल्प कर देना, मुझे भी पैसे कमाने हैं। ब्रो तू मेरा काम नहीं कर पाएगी, छोड़। देख तू जो बोलेगी ना मैं वो करूंगी। सोच ले। देखिए सर, मैं ना सच कह रही हूँ, पिछले 3 साल से मैं शगुन से नहीं मिली हूँ, और रही बात पार्टनर की, तो शगुन के साथ मैंने स्कैम नहीं किया, बल्कि शगुन ने मेरे साथ स्कैम किया। शगुन ने तुम्हारे साथ स्कैम किया या करण के साथ? आप लोग करण को कैसे जानते हैं? भाई अगर तुम स्कैमस्टर हो तो हम भी तो पुलिस वाले हैं। शगुन को तुमने इस करण के पास भेजा था ना प्रोस्टिट्यूशन के लिए? नहीं सर, मैं क्या भेजूंगी, शगुन खुद गई थी पैसों के लिए, पूरे 30,000 रुपए दे रहा था ये।
साहब वो 30,000 के चक्कर में मैंने मेरे बाप के 3 लाख रुपए गवा दिए। ये ले। और जब पैसे नहीं मिले तो मार दिया उसे। मैं क्यों मारूंगा साहब उसको, जबकि मेरे पैसे मुझे मिल गए थे। तुझे पैसे दिए थे उसने? साहब उसने जेवर दिए थे जो मैंने 4 लाख में बेच दिए। एक बात बता, मेडिकल स्टोर से तुझे उसके घर का पता मिल गया था तो ससुराल कैसे पहुंचा? साहब मैं पहले उसके घर पे गया था, पर वो उसके भाई ने मुझे भगा दिया। तू प्रतीक से मिला था? हाँ साहब मैं प्रतीक से मिला था। सर, शागुन दीदी के बारे में करण ने जो कुछ भी बताया उसे जानने के बाद मेरे नज़रों से उतर गई थी वो। ये बात तुमने शागुन के साथ कंफर्म की? प्रतीक, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मुझसे वो गलती हो गई। गलती? इसे धंधा करना बोलते हैं? ये बात तो 1.5 महीने पुरानी थी, तो अभी क्यों मारा उसे? सर, माफ़ किसी को एक बार किया जाता, बार बार नहीं। शगुन दीदी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहने लगी कि मैं पुलिस के पास जाके सब कुछ बता दूंगी, और मैंने ही उन्हें फारस रोड बुलाया था। क्यों? उन्हें समझाने के लिए। दीदी, अवनी की वजह से पहले ही मुझ पर लोग हंसते हैं, अब अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और तुम्हें अपनी रेपिस मतलब अपने बच्चे के बाप के बारे में भी नहीं पता। अगर मैं दुनिया के बारे में सोचूंगी तो अवनी की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। अवनी ने क्या किया? शगुन दीदी ने जब मुझे अवनी के बारे में बताया कि वो 20 लाख रुपए के लिए ऋषि के साथ सो रही है, तो मेरा खून और खोल गया। सर मैं समझ गया कि शगुन दीदी पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी और सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। वो शगुन जिसने तुम लोगों के लिए अपनी ससुराल में इतने जुल्म सहे, एक दिन जब वो अपने लिए खड़ी हुई तो उसका सपोर्ट करने के बजाय तूने उसकी जान ले ली, वो अपनी झूठी इज्जत के लिए। कान, इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। सर, शगुन अगर पहले दिन ही अपने साथ हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाती तो शायद आज जिंदा होती। इसीलिए कहते हैं जुर्म सहना भी अपने आप में एक जुर्म है। सर, कितनी अजीब बात है ना, इतने पढ़े लिखे लोगों ने ये सब कुछ किया, बदले में मिला क्या? जिस लड़के के लिए सब कुछ किया वो तो चला गया अपनी माँ के साथ। खान, वो कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जो आदमी अमीर है जरूरी नहीं उसकी सोच भी अमीर हो, आदमी के पास पैसे के साथ साथ उसकी सोच का अमीर होना भी जरूरी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।